नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 26 अगस्त 2023 शनिवार। दोस्तों, छोटी इलायची पर आपको याद होगा लगभग 5 से 6 महीने पहले हमने आपको तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ। जब छोटी इलायची के भाव 1000 रुपये से नीचे थे ग्रीन कार्डमन के, तब हमने आपको अग्रिम अनुमान और विश्लेषण देते हुए कहा था कि इसमें तेजी की संभावना बन सकती है, आप विशेष ख्याल रखें। देखिए, आज कार्डमन के भाव यानी मिलाएं तो आपको हमारा अग्रिम विश्लेषण सत्य होता नजर आएगा। दोस्तों, अब धीरे धीरे बाजारों के अंदर सप्लाई की पोजीशन टाइट हो गई है और उसकी वजह प्रमुख कम बरसात और की वजह से मंडियों में अब छोटी इलायची कम आ रही है। दोस्तों, बाजार में एक आकर्षण ये भी था कि उच्चतम कीमत पे 3002 रुपये प्रति किलोग्राम तक जो भाव थे, जो पिछले सत्र में 2852 रुपये प्रति किलोग्राम से काफ़ी अधिक थी। दिलचस्प बात यह भी है कि आज के सत्र में अराइवल में काफ़ी गिरावट देखी गई, लेकिन अराइवल में गिरावट के साथ साथ बाजारों में उस प्रपोर्शनेट यानी अनुपात के हिसाब से अधिक तेजी नहीं रही। यदि हम स्टैटिस्टिकल रूप देखें तो सत्र के दौरान प्रति किलोग्राम इलायची की औसत कीमत 1918 रुपये से लेके 2044 रुपये तक थी, जबकि कल पिछले का सत्र के दौरान ये 1979 रुपये से 2018 रुपये प्रति किलोग्राम थी। फिजिकल मार्केट में कीमतों को इफेक्टिव करने के लिए एक महत्वपूर्ण ये बात यह भी है कि इस वर्ष औसत से काफ़ी कम बरसात होना है। प्रमुख इलायची की खेती वाले क्षेत्रों में अगस्त व अन्य महीनों की तुलना में 90 से 93% कम बरसात दर्ज की है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पिछले सप्ताह के दौरान बारिश में चिंताजनक रूप से 87 से 95% की जो गिरावट रही, उसको देख के फसल के ऊपर एक अब बड़ी चिंताएँ बढ़ गई हैं। यदि हम देखें कि यदि क्वांटिटी वाइज देखें तो करंट सेशन के में आवक 1,03,472 किलोग्राम रही, जो पिछले दिन 1,42,492 किलोग्राम है। ये एक साइजेबल गिरावट मानी जा सकती है। इसमें कुल बेची गई मात्रा 1,12,862 किलोग्राम से घटकर मात्र 93,285 किलोग्राम हुई है। दोस्तों, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि अराइवल में कमी के बावजूद दैनिक उठाव प्रतिशत पिछले सत्र में जो 79.2% था, वो बढ़कर 90% हो गया है। फिर भी कम आवक के कारण मात्रा के हिसाब से बिक्री कम मानी जा सकती है। इडुक्की बाजार पर यदि हम नज़र डालें तो सीमित आपूर्ति के बीच मांग में बढ़त के कारण ग्रेड विशिष्ट ड्यूरेबिलिटी के दरें स्थिर बनी हुई है, और बाजार को इंटरनल तरीके से देखें तो 7 mm ग्रेड कीमत के बीच में ये 1950 से 2050 और 7 से 8 mm ग्रेड के लिए खरीदार 2200 रुपये से 2350 रुपये तक की कीमतों की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, 8 mm और उससे ऊपर ग्रेड की क्वालिटी 2450 रुपये से 2650 रुपये की बात हो रही है। दोस्तों, ये थी एक अपडेट, और आगे की जानकारी के लिए आप हमें विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, इलायची के ऊपर हम आगे बात करें तो केरल छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, और आमतौर में देश में छोटी इलायची के करीब 28 से 30 हज़ार टन का उत्पादन में केरल की हिस्सेदारी लगभग 60% की मानी जाती है। केरल में इडुक्की, वायनाड, पलक्कड और कोयटम जैसी इलाके छोटी इलायची के अग्रणी उत्पादक क्षेत्रों में से माने जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें छोटी इलायची में, तो कर्नाटक को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इस राज्य में कर्नाटक देश की लगभग 31% इलायची की प्रोडक्शन में भागीदारी रखता है। इसके अंदर कोडागु, हासन, चिकमंगलूर, शिमोगा इसके प्रमुख स्थान माने जाते हैं। देश में छोटी इलायची के होने वाले कुल उत्पादन का 40% मात्रा दुनिया के करीब 60 देशों को निर्यात किया जाता है, और इससे देश को लगभग $6 करोड़ की विदेशी मुद्रा की आय भी होती है।
व्यापारियों से और सर्वे के अनुसार मानसून सीजन का केरल 1 जून के बजाय 8 जून को अराइवल हुआ था और कई महीनों तक बरसात की गंभीर कमी की स्थिति रही थी और बरसात की कमी के बाद मानसून सीजन शुरू होने के बाद भी जून और जुलाई जैसे महीनों में केरल में सामान्य से 30-35% कम बरसात होने और छोटी इलायची की फसल के इसके डेवलपमेंट यानी उसके विकास पर बड़ा असर हुआ। दूसरी ओर कर्नाटक के मानसून सीजन शुरू होने के बाद भारी बरसात के कारण फसल को हानि की आशंका जताई जा रही है और यदि उनकी कुछ सूत्रों को कोई विश्वास करे तो राज्य के कोडागा क्षेत्र में छोटी इलायची की फसल सबसे अधिक हानि कर्नाटक में हुई है। और दोस्तों कर्नाटक के साथ साथ केरल में भी फसल को विपरीत मौसम की मार झेलनी पड़ी है। कुल मिलाकर इस बार देश में छोटी इलायची की फसल को 10-12% हानि होने की संभावना है। दोस्तों हाल में आई तेजी का छोटी इलायची के निर्यात पर भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है क्योंकि मसाला बोर्ड के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में देश की कुल 875.14 करोड़ रुपए की 7,352 टन छोटी इलायची का निर्यात हुआ था जो एक वर्ष पूर्व 10,571 टन की मात्रा का निर्यात होता। इससे लगभग 1,375.66 करोड़ की आय हुई थी। इससे यह भी पता चल रहा है इस बार छोटी इलायची का मात्रात्मक निर्यात में 30% और आय में 36% की गिरावट हुई है। हाल में ही आई तेजी के बाद आने वाले समय में छोटी इलायची में और तेजी की एक क्वेश्चन चिन्ह लग गया है कि इसमें तेजी होगी या मंदी। दोस्तों इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क जरूर करें क्योंकि इलायची के भाव निर्यात पर सबसे अधिक निर्भर करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।